एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिवाली मेकअप लुक। तो मैंने अपने फेस को पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया था और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। और प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लोरियल का बेस्ट मैजिक प्राइमर, जो बहुत ही अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पैक का चाइनीज़ कंसीलर। ये डार्क शेड कंसीलर है तो आपके डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से हाइड करेगा। फिर मैंने ब्लेंड भी कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर से और अपने आईब्रोज के मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ आईब्रो जेल और पाउडर दोनों मिला के। फिर अपने लिप पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर के लिए मैंने इनसाइड के कंसीलर यूज़ किया है और एक ब्रश की हेल्प से, और इसे मैंने ब्लेंड भी कर दिया है और पाउडर से सेट भी कर दिया है। फिर मैंने इस आईशैडो पैलेट में से ये शेड लेके अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्टेप रखा है ताकि आप लोग अगर बिगिनर भी हो तो भी कर पाए। और यहाँ पे मैंने ये शिमर लिया है स्विस ब्यूटी का, ये बहुत ही अच्छा एक शेड है। और उसी ब्रश में से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। आईलाइनर बहुत ही थिन ड्रो किया है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे पैक का HD फाउंडेशन यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, तो किसी भी फेस्टिवल में बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग ये फाउंडेशन यूज़ करें। और ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लेंड हो चुका है ऑलमोस्ट। और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर वही इनसाइड का यूज़ किया है मैंने और फिर इसे मैंने अभी ब्लेंड कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फिर अपने पूरे फेस को मैंने सेट कर दिया है कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। और मैंने यहाँ पे पैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा एक पाउडर है। और नायका का काजल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो बहुत ही एक डार्क ब्लैक शेड है। और इसे मैंने थोड़ा सा आईशैडो लेके ब्लेंड भी कर दिया है एक ब्रश की हेल्प से। फिर यहाँ पे मैंने मेबेलिन का मस्कारा यूज़ किया है और वेट एंड वाइल्ड कंट्रोल पाउडर लेके अपने फेस को भी कंट्रोल कर लिया है और थोड़ा सा अपने नोज़ को भी कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने ये ब्लश लेके अपने फेस में ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। बहुत ही लाइट शेड है और सो बहुत ही नेचुरल लगता है। और ये हाइलाइटर लेके मैंने अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। फिर ब्लेंडर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है ताकि ये नेचुरल लगे। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक लिक्विड लिपस्टिक और ये NYV का है और ये मेरा न्यू परचेस है, मैंने नया ख़रीदा था। फर्स्ट टाइम मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और मुझे ये शेड सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लेकर अपने फेस को सेट कर लिया है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग के लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।